तू
आखिरी बार फिर से कहेंगे मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरा हूं। सरेंडर कर रहे हैं, मैं तेरा हूं। उसके रूप को आने दें, मैं तेरा हूं। यीशु मेरा से धुलते जाएं आज की सुबह, सरेंडर कर दें। वचन कहता है कईयों का भरोसा रथों पे है, कईयों का भरोसा घोड़ों पे है, पर मेरा भरोसा खुदा पर है, उस यहोवा बादशाह पर है। आज की सुबह अपना भरोसा उस खुदा पे डाल दें। वो यहोवा खुदा जानता है आपको, वो बादशाहों में बादशाह है और लश्करों का खुदा है।
अपने जुबानों को खोल के खुदावन की तारीफ और हमदो सना करनी शुरू कर दें, तारीफ करनी शुरू कर दें, तारीफ करनी शुरू कर दें, खुदावन का धन्यवाद करना शुरू कर दें। रूह की बारिश बरसना चाहती है, उसमें नजर करने
प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से मेरे बादशाह तेरे तेरी हजूरी में आते हैं मेरे खुदावंद, मेरे खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें एक बार फिर से छूने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी शिफा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं बादशाह, ऐ नबियों के खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, अब्राहम इज़ाक और याकूब के परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, शाऊल दाऊद और सुलेमान के बादशाह तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदाओं में खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, ऐ नबियों के बादशाह तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी हमदोसना करते हैं मेरे खुदा, एक नया झरना खुदावंद हमारी दिल में से हमारे अंदर से खुदावंद तेरी उपासना के लिए निकले, बादशाह खुदा जो रुके काम है तेरे लोगों के खोलते जाए, जहां चंगाई की जरूरत है खुदावंद आपका रूह चंगाई दे, और जहां पे मेरे खुदावंद करेक्शन की जरूरत है आज की सुबह खुदावंद आपका रूह दिलों को कन्विक्ट करे मेरे खुदावंद, बादशाह आपके नाम को सारी महिमा आदर और जलाल मिले, आपकी आपकी सेकेंड कमिंग को फिर से याद करते मेरे खुदावंद और माफी मांगते अपने गुनाहों की, ऐ मेरे खुदावंद खुदा तू माफ कर दे मेरे प्रभु, दया कर मेरे खुदावंद, एक नया दिल मेरे खुदावंद हमारे हमारे शरीर में दे, और तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद हमारे दिलों पे कब्जा करे, ताकि हम तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना कर बैठे, और तेरे फजल को मांगते हैं मेरे खुदावंद, तेरे रहम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और सारी चीजों को सारी बातों को तेरे हाथों में धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। कदे जावे
Thank you.
ऐसे अनुफरमा के सब तेरिया राह बिच हुण तेरे आप अपना भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पे डाल दें, और जैसे भजन लिखने वाला लिखता है, खुदावंद के फरिश्ते आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पैरों को भी ठेस ना लगे। वो खुदावंद अपने वायदे को पूरा करना जानता है। और एक बार फिर से मिलके सोते करें जब खुदावंद ने आपको छुटकारा दिया, और खुदावंद के रूह को कहें कि उसका कब्जा आपके ऊपर हो जाए ताकि आपका दिल खुदावंद की उपासना कर सके। एक बार फिर से सोते अपने आप उठा तद पत्थरा दे नल तेरे पैरना ठेडे खावण गे तद पत्थरा दे नल तेरे पैरना ठेडे खावण गे या रब तू मेरी तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहनी है सो तेरा है मकान या रब तू मेरी पना है सो तू है Shantara Varavara Shantara Varavara
स्वागत है। और आज आई प्रे कि प्रभु आपके घरों में अपनी हुजूरी लेकर आए और प्रभु हमें अपने कामों पर लगाए। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए जो प्रभु की हुजूरी में आज हुई, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो आज हम सीखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4:9। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। दिस इज द जो ये बात है, इट्स ऑल अबाउट ओबीडियंस। हम कितने ओबीडियंट हैं। जब हम बात करते हैं कि आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम लाइक क्राइस्ट, तो जो हमारी लाइफ है वो ओबीडियंट वाली होनी चाहिए और हमारा जो चाल चलन है वो ओबीडियंस वाला होना चाहिए और जो हमारे काम है वो विश्वास से भरपूर होने चाहिए। जैसा कि अब्राहम की स्टोरी आपको सबको पता होगा। जो अब्राहम था वो ही वॉज अ मून वर्शिपर, वो चांद की वर्शिप करता था। और प्रभु ने उसको बोला, अब्राहम गेट अप एंड चल। तो उसने विश्वास के साथ वहां से चल पड़ा। कहां पर कुछ पता नहीं। हालांकि प्रभु ने उसको कोई एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ये बोला कि यू गो। तो उसने विश्वास के साथ वहां से चल दिया और चलकर प्रभु ने उसको बहुत बहुत आशीष दी। यू नो, आप जानते होंगे कि जो आर्मी के लोग हैं या सर्विस पीपल है, उनकी जो लाइफ है इट्स अ काइंड ऑफ पिलग्रिम। वो एक शहर से दूसरे शहर और एक जगह से दूसरी जगह पर, कई कई बार एक देश से उनको दूसरे देश में भी जाना पड़ता है सर्विस के लिए। तो दे आर काइंड ऑफ पिलग्रिम। जो आवर क्रिश्चियन लाइफ है, जो हमारी मसीही लाइफ है, वो भी पिलग्रिम जैसी ही है। ऐसा नहीं कि हमें एक शहर से दूसरे शहर मूव करना पड़ता है या एक जगह से दूसरी जगह पर फिर तीसरी जगह पर हमें प्रभु यीशु का वचन सुनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर और इस जगह से वहां पर और उस जगह से वहां पर जाना पड़ता है। क्योंकि हम प्रभु का जो कलाम है वो, अगर हम पिलग्रिम नहीं है, एक ही जगह पर बैठे हैं, मैं तो भाई चंडीगढ़ में बैठा हूं बस, मुझे और कहीं नहीं जाना, सेक्टर 22 में हूं बस, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू हैव टू कम आउट विश्वास के साथ। आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, उसकी हुजूरी में बढ़ना है, उसके कलाम को आगे बढ़ना है। चंडीगढ़ से अभी लुधियाना जाना है, फिर लुधियाना से गुरदासपुर जाना है और अलग अलग जगह पर जाना है। जब प्रभु यीशु आपको बोलेगा कि अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है, तो आपको जाना है, तो उसके जो कलाम है उसको आगे बढ़ाना है। जो अब्राहम की ओबीडियंस, उसकी वो, ही वॉज ओबीडियंट, यू नो, इट टुक ए वाइल बट अब्राहम फाइनली केम टू द प्लेस ऑफ टोटल ओबीडियंस। यू नो, जब हमें प्रभु कोई भी ऐसी बात बोलता है कि आपको ये काम करना है, तो हम क्या करते हैं, उस काम को नहीं करते। अब उसके आगे बहुत से ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं। जब प्रभु ने बोला कि मैं आपको ये आशीष दूंगा,
पर हम उन आशीषों को ना सोचते हुए हम क्या करते हैं, हम हमारी एक लिस्ट होती है जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन लिखे होते हैं। प्रभु आपने तो बोला कि मैं यहां से शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाऊं, तो ना तो मुझे कोई जानता है। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। जब मैं इंडिया में था, फैमिली एवरीबॉडी सबके साथ, तो जब मैं अमेरिका आया तो मेरे साथ कोई नहीं था। I was alone by myself. अकेला, एकदम से अकेला था और कोई साथ में नहीं था। कहां रहना है कोई खबर नहीं, किसके पास जाना है कुछ पता नहीं, नौकरी है पता नहीं, लैंग्वेज आती है नहीं आती है, तो क्या करूंगा। बट बाय फेथ I took that step. तो I'm glad जो मैंने स्टेप उठाया उसकी वजह से प्रभु ने मुझे बहुत बहुत आशीष दी। जब हम ओबीडियंस, जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सी आशीष डालता है। जब आज्ञाकारी होने के लिए हमें बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अब्राहम ने क्या किया, ही सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमें देर पुलिंग अस बैक, हमें पीछे करते हैं, हमें पुल करते हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सकें। पर ऐसा ही इब्राहिम के साथ हुआ होगा। जब प्रभु ने बोला कि यू लीव एवरीथिंग एंड देन गो, कहां पर, फार कंट्री, कहां पर, आई डोंट नो, इब्राहिम को भी नहीं पता कहां जाना है। इसी तरह से जब प्रभु हमें कोई आशीष देता है, प्रभु कहता है कि मैंने तुझे ठीक कर दिया, पर हम क्या बोलते हैं कि प्रभु मेरे तो घुटनों में अभी भी दर्द हो रहा है, कहां आपने ठीक किया। या आप बाय फेथ कोई भी पास्टर आपको बोलता है कि इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यू आर हील्ड, पर हमारा जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं, अरे क्या, कैसे तू हील हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा भी कभी हुआ है, बिना दवाई से तू कैसे होगा। बट देयर इज अ गॉड एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट हु कैन हील विदाउट एनी मेडिसिन। हर एक इंसान को वो ठीक कर सकता है। तो इब्राहिम ने और वैसे लोगों से अपने आप को अलग किया। हमें हमारे जीवन में भी कई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे क्या तू सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता है, क्या तू सारा दिन प्रेज द लॉर्ड करता रहता है, क्या तू सारा दिन यीशु यीशु बोलता रहता है, तू तो बेवकूफ है। उन लोगों से जस्ट गो अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर हो जा, सेपरेट योरसेल्फ। जो लोग आपको बोलते हैं यार चला जा, एक सुट्टा लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, गो अवे फ्रॉम देम। दूसरा बोलता है यार चल आ जा, एक छोटा छोटा वो 30-90 ml जो भी बोलते हैं वो पिएंगे, जस्ट गो अवे फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पीपल। उन लोगों से भी दूर रहो जो आपके विश्वास को और आपको डाउन करते हैं, आपके विश्वास को नीचा करते हैं। जस्ट गेट अवे फ्रॉम दोस पीपल, यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम देम एंड डू नॉट मिंगल विद दोस काइंड ऑफ पीपल। जो इब्राहिम जब वहां से उसने अपने आप को अलग किया तो उसने क्या किया, ही ब्रॉट हिज सब्सटेंस, उसने उसके अपने साथ सब कुछ लेकर आया, अपने नेफ्यू लॉट को लेकर आया, अपनी वाइफ सारा को लेकर आया, अपने सारे नौकरों को लेकर आया और वहां से कुछ सामान भी लेकर आया। जो कुछ लेकर आया प्रभु ने हालांकि सिर्फ इब्राहिम को बोला था, प्रभु ने बोला था कि यू गेट अप एंड जस्ट गो अवे, जस्ट जाओ यहां से निकलो, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे प्रॉमिस लैंड दूंगा। पर उसने क्या किया, ही टुक फ्यू पीपल विद हिम। जब आप प्रभु के साथ होते हो, जब आप ओबीडियंस होते हो, जब आप आज्ञाकारी होते हो, आपके साथ कोई भी होता है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका मम्मी पापा बहन भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाइफ बच्चे, कुछ भी है जो भी आपके साथ है, प्रभु उनको भी आशीष देगा। एज लॉन्ग एज You are obedience. As long as आप आज्ञाकारी हैं, अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, उसने इब्राहिम ने अपने साथ उन लोगों को भी ले लिया, अपनी सारी चीजों को ले लिया। जो कुछ इब्राहिम का था वो प्रभु का हुआ और जो इब्राहिम की चीजें थी वो प्रभु की हो गई। इसी तरह से जब आप आज्ञाकारी होते हैं, when you are obedient to the Lord, whatever belongs to you, वो प्रभु का होता है। अगर आपको बीमारी है
प्रभु विल टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको कोई समस्या है, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी मानसिक तनाव है, क्या बोलते हैं, लाइक मेंटल दिमागी कोई प्रॉब्लम है, तो गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। यू जस्ट बी ओबीडियंट एंड यू जस्ट बी सेपरेट योर सेल्फ, उन लोगों से अलग करो। तो उसके बाद उसने क्या किया, इब्राहिम ने, ही सरेंडर हिमसेल्फ, यू नो, सरेंडरिंग, अपने आप को झुका देना, इट्स बहुत मुश्किल बात है। यस, एज ए ह्यूमन मैं क्यों झुकाऊं, Why मैं क्यों सरेंडर करूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं, Why मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो PhD हूं, मैं ये हूं वो हूं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरी नॉलेज अच्छी है। नो, यू सरेंडर एट द फीट ऑफ जीसस एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। द बाइबल टेल्स अस दैट अब्राहम डिड एज द लॉर्ड हैड स्पोकन टू हिम। जो परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, इब्राहिम ने वही किया। हमें जब परमेश्वर कोई भी ऐसी बात बोलता है तो हम क्या करते हैं कि हम पहले अपना दिमाग चलाते हैं, ये बात ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम ऐसा सोचते हैं पहले, उसके बाद फिर हम, जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कह यार, इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट गो टू गॉड स्ट्रेट। आपको किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का दरवाजा खटखटाते हो तो वो बोलते हैं सॉरी वी कैन नॉट हेल्प, दूसरा हम नहीं मदद कर सकते, हम नहीं मदद कर सकते। तो एट द एंड आप थक हार कर प्रभु के पास ही आते हो। व्हाई नॉट सबसे पहले प्रभु के पास जाओ, उन लोगों को भी पता चले कि यू आर सर्विंग गॉड एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। तो इब्राहिम के पास उसने सरेंडर किया, उसकी बहुत अपोजिशन पार्टी भी थी और उसको बहुत से लोगों ने अपोज भी किया होगा। इसी तरह से हमें भी करते हैं, हमारी क्रिश्चियन वॉक में हमें बहुत से चैलेंजेस मिलते हैं एवरी डे एवरी सेकेंड वी फेस द चैलेंज, बट आई एम ग्लैड माय गॉड माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट ही सेड आई हैव ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। आमेन। जब हम उसकी हजूरी में चलते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में चलते हैं, तो क्या होता है, जब हम ओबीडियंट होते हैं तो वी एक्सपीरियंस गॉड्स प्रॉमिस। हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं गॉड, प्रभु के जो प्रॉमिसेस उन्होंने हमारे जीवन में दे रखे हैं, जो उन्होंने कहा है किसी अपने बंदे के द्वारा, किसी प्रॉफिट के द्वारा और बाइबल के द्वारा कह रखा है कि यू विल बी चोजन वन, तो आप चोजन होंगे। जब प्रभु ने कहा है कि आपको मैं आशीष दूंगा तो वो आशीष देगा। अगर उन्होंने कहा है कि मैं आपको इस जगह से लेकर उठाकर दूसरी जगह अमेरिका, कनाडा या कहीं दूसरे देश में लेके जाऊंगा, तो वो लेके जाएगा। अगर डिले भी हो रहा है, डिले इज नॉट डिनाइंग, इट मीन्स गॉड, जो प्रभु है वो आपके फेथ को परख रहा है। ही जस्ट वॉचिंग एट यू, ही जस्ट लुकिंग एट यू कि आप कैसा बिहेव करते हो, and he will take you. We experience God's presence, God's promise, sorry, not the presence is the next, the God's promise in our life. मेरे जीवन में भी कितने ऐसे promise थे जो कि प्रभु ने कहा था कि वो प्रॉमिस पूरे करेगा, और प्रभु ने हर एक प्रॉमिस को पूरा किया है। समटाइम आई जस्ट सिट ऑन द काउच, ऑन द सोफे के ऊपर बैठकर मैं उन बातों को सोचता हूं कि प्रभु ने कौन कौन सी बातें मेरे लिए पूरी की, जो मैंने मांगी थी वो पूरी की। हर एक छोटी सी छोटी बात भी वो पूरी करता है, इतनी छोटी सी बात भी। नो, एक दिन मैं बहुत थका हुआ था, इंडिया जा रहा था, और मैंने बोला प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से 13 घंटे की सीधा फ्लाइट है और मेरे से नहीं बैठा जाएगा एक छोटी सी सीट पे, मुझे फर्स्ट क्लास में जाना है। पर मैंने कहा मुझे पैसे नहीं देने, आई डोंट वांट टू पे फर्स्ट क्लास का पैसा, पर मुझे फर्स्ट क्लास में जाना है। तो मैं टिकट काउंटर में गया, मैंने उनको बोला कि आप मेरी टिकट अपग्रेड कर सकते हो, कहते हाँ कर देंगे। तो कितने पैसे, कहते $800, मैं कह नो इट्स टू मच आई डोंट वांट इट। तो मैं वहां पे जाके बैठ गया, आई डोंट नो उस बंदे को क्या हुआ, पर मैं प्रार्थना करता गया, मैं कहा प्रभु मुझे पैसा नहीं देना पर मुझे फर्स्ट क्लास में जाना है। वो आधे घंटे के बाद वो बंदा मेरे पास आया, कहता सर आपको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करना है, कहता कम।
तो उसने मुझे अपग्रेड कर दिया और उसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया। और प्रभु ने मुझे वहां पर प्लेन में मैं अपग्रेड में एकदम से सो कर गया लंबे फ्लैट बेड के ऊपर। माय गॉड, मजा आ गया। यू नो, वो हर एक छोटी सी छोटी चीज भी वो आपकी पूरी करता है, जो भी उसने प्रॉमिस आपके जीवन में दिया। आई डोंट नो आपके जीवन में प्रभु ने क्या प्रॉमिस दिया, जो भी आपके जीवन में प्रभु ने प्रॉमिस दिया है वो प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस को वो पूरा करेगा ही करेगा। जब हम ओबीडियंट होते हैं, जब आज्ञाकारी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी वॉक इन हिज प्रेजेंस। हम प्रभु की हजूरी में वॉक करते हैं, हम उसकी जो हमारी जर्नी है, वी आर नॉट वॉकिंग बाय आवर सेल्फ, हमारी जो जर्नी है इट्स विद क्राइस्ट, विद जीसस क्राइस्ट। यू नो, जीसस क्राइस्ट हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस, यू नो, जब ऑलवेज रिमेंबर, जब प्रभु की प्रेजेंस आपके जीवन में है, यू डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में। अगर उसकी प्रेजेंस आ गई, मतलब सब कुछ आ गया, आपको कोई बीमारी नहीं होनी, कोई दुख तकलीफ नहीं होंगे, व्हेन यू आर इन हिज प्रेजेंस। यू नो, जब हम उसकी प्रेजेंस में वॉक करते हैं तो विक्ट्री हमारी होती है। कहीं पर भी कई लोगों को एग्जाम देना होता है, अपने कॉलेज, स्कूल और कोई एंट्रेंस एग्जाम, जस्ट वॉक इन हिज प्रेजेंस। When you are walking in His presence, तो एग्जाम में भी आपको आपको फेवर मिलेगा ही मिलेगा यीशु के नाम से। और we can walk in His presence all the time. You know, just उसके जो thoughts हैं, उसके बाइबल के verses हैं, हमारे जीवन में ऐसे सोख होने चाहिए कि हम हमारे जीवन में हमेशा चलता रहे, जीवन के अंदर, हमारे दिल के अंदर चलता रहे। जब हम उसकी प्रेजेंस में वॉक करते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है, वो हमें नया बना देता है। ओल्ड राज इज डेड, न्यू राज इज अप। ओल्ड ऑफ यू, पुराने आप खत्म, नए आप आ गए। जब आप उसकी प्रेजेंस में चलते हैं तो आप एकदम से नए हो जाते हैं, आपके चेहरे से नूर आ जाता है, नूर आता है आपके चेहरे में, और आपके पास सारी ब्लेसिंग्स होती है, और यू वॉक लाइक दिस, ये एकदम से मसल मैन की तरह से सीधे खड़े होके, यू नो, व्हेन वी वॉक इन प्रेजेंस। जब हम उसकी प्रेजेंस में वॉक करते हैं तो हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं। इट्स ए ग्रेट ब्लेसिंग वॉकिंग इन हिज प्रेजेंस, हमें बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब हम उसकी प्रेजेंस में वॉक करते हैं तो हमारा नाम ऊंचा होता है इस सोसाइटी में, हमें वो यीशु के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं। अरे वो तो यीशु के चेले हैं, वो तो यीशु को जानने वाले हैं, हमारा नाम है वो अच्छा हो जाता है कम्युनिटी में, हमारे दोस्तों में। जब हम उसकी प्रेजेंस में चलते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी एनिमी से, हमारे दुश्मनों से, वो हमें प्रोटेक्ट करता है व्हेन वी वॉक इन हिज प्रेजेंस। जब हम उसकी प्रेजेंस में वॉक करते हैं तो वो हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों को, हमारी फैमिली मेंबर को, सबको वो आशीषें देता है। और इवन तो जब हम उसकी प्रेजेंस में वॉक करते हैं, वो पूरी दुनिया को आशीषें देता है हमारे द्वारा, हमारे द्वारा वो लोगों को ब्लेस करता है व्हेन वी वॉक इन प्रेजेंस। यू नो, आज मैं यही कहना चाहता हूं, बी ओबीडियंट, आज्ञाकारी बने और उसकी हजूरी में वॉक करें। जब आप उसकी हजूरी में वॉक करेंगे, प्रभु आपके जीवन को एकदम से नया बना देगा, बदल देगा। आप कहीं पर भी जाएंगे, आएंगे, उस जगह के लिए ब्लेसिंग्स हो जाएंगे, आपका आना जाना ब्लेसिंग्स होगा, किसी के घर में भी जाएंगे, उसके घर में भी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, एज लॉन्ग एज यू आर वॉकिंग इन हिज प्रेजेंस एंड यू आर ओबीडियंट। थैंक यू फादर। लॉर्ड, टुडे आई वॉन्ट टू वॉक इन योर प्रेजेंस। प्रभु जी, आज मैं आपकी हजूरी में वॉक करना चाहता हूँ। लॉर्ड जी, आप मेरे साथ हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर जी। लॉर्ड जी, मेक मी फेथफुल, हेल्प मी, इंक्रीज माय फेथ, माय लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी फादर। आई हंबल मायसेल्फ बिफोर यू एंड बिफोर योर पीपल। थैंक यू फादर।
लॉर्ड जी धन्यवाद देता हूँ, महिमा करता हूँ। आप अच्छे महान हमारे परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन आई प्रे कि आप मुझे अपने और ज्यादा विश्वास के साथ भर दें। हेल्प मी टू वॉक इन फेथ माय लॉर्ड, लॉर्ड हेल्प मी वॉक इन ओबीडियंस माय लॉर्ड, हेल्प मी टू वॉक इन योर प्रेजेंस माय लॉर्ड, आई वांट टू वॉक इन योर प्रेजेंस। थैंक यू, यू आर होली, यू आर होली, यू आर होली, यू आर होली माय लॉर्ड, you are holy, you are worthy of it, you are worthy. Thank you Father. I surrender myself unto you Lord. I pray for all those people Lord जी, thank you helping me to walk in your presence. जब मैं आपकी हजूरी में वॉक कर रहा हूँ, I have the authority to pray for the people. Lord ji, I can cast out demons and devil in the name of Jesus Christ Father. Lord ji, aaj main devils and demons ko cast out karta hu Yeshu ke naam se. Aur Lord, I speak healing in the name of Jesus Christ un logon ki zindagi mein jin logon ko healing chahiye pita parmeshwar. Yes, bahut se log hain jo apni healing chahte hain apne sharir mein. Lord, I pray, I bless them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Lord, I pray ki aap unke saath rahe और आपकी आशीष उन सब में आए। थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ, महिमा करता हूँ। आप अच्छे महान हमारे परमेश्वर है लॉर्ड, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मानी, मांगता हूँ यीशु के नाम से। माय फ्रेंड्स, वॉकिंग इन ए ओबीडियंस एक बहुत एक ऐसी कमांड है, क्योंकि हमें ओबीडियंस में वॉक करना चाहिए। हम करते नहीं, हम डिसओबीडियंट हो जाते हैं। पर आज आई वॉन्ट टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी, मैं सबको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। आज अगर आप प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं एज योर पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, आप रिपेंट करना चाहते हैं, आप अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को माफ करो और मेरे हृदय में आ जाओ, तो वो आज आपके हृदय में आएगा और आपका विश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगा। इफ अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आए, तो आप मेरे सच्चे प्रार्थना करें। Lord Jesus, आज मैं आपको अपना परमेश्वर मानता हूं। आप इस धरती पर आए, मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। आप जीवित परमेश्वर हैं। आज मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं आपके चरणों में। प्रभु जी, आप मुझे ऊपर उठाए, आज से आप मेरे परमेश्वर और मैं आपका बच्चा। लॉर्ड, आज से मैं आपकी ही स्तुति आराधना करूंगा और आपका नाम लूंगा, आपको फॉलो करूंगा। लॉर्ड, आई प्रे कि आप मुझे बचाए। धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ और मैं अपने हृदय में आज आपको रिसीव करता हूँ। आज से मैं आपका हो गया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, महिमा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आमीन। अगर आज आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है, इसका मतलब यू आर सेव्ड, आपने स्वर्ग का प्रॉमिस आपको मिल गया है। मरने के बाद आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे, आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने ये प्रार्थना की है। तो अगर जिन जिन लोगों ने ये प्रार्थना की है, प्लीज आप हमें कमेंट कर दें और लिख दें, ताकि हम आपको लोकल चर्च में किसी लोकल चर्च के साथ अटैच कर सके जो एक प्रभु यीशु में विश्वास करता हो और उसकी आत्मा में विश्वास करता हो। अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइए हम आखिर की प्रार्थना करें। O Lord, you will bless me indeed, enlarge my territory, keep me from the evil one, that I may not cause any pain to anyone. In Jesus' name. प्रभु की हजूरी आज से लेकर आखिर तक आपके साथ रहो, उसका प्यार आपके साथ हो, और let's walk in obedience. धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और माना, मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। अगेन प्लीज वॉक इन हिज प्रेजेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। गॉड ब्लेस यू एंड आई एम गोइंग टू सी यू अगेन। बी ब्लेस्ड, आमेन।